நல்லா சொல்லு. குட் மார்னிங் டு ஆல் ஆஃப் சில்ட்ரன். மை செல்ஃப் எம் ஜே ராஜ், இன்ஃபினிட்டி மேத்தமெட்டிக்ஸ், ஜேஎன்யு நாந்தேட். டுடே வி வில் சீ தி நியூ டாபிக், கிளாஸ் 12 மேத்தமெட்டிக்ஸ், மேட்ரிசஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வி வில் சீ டெஃபினிஷன் ஆஃப் தி மேட்ரிசஸ். மேட்ரிசஸ் கே கே ஹோதா ஹை யே ஹம் லிகேங்கே. பஹலே ஹை டெஃபினிஷன் நம்பர் 1. पहली डेफिनेशन, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स ऑफ कांस्टेंट्स. ए मैट्रिक्स इज, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड पेयर order m by n. It's
called matrix of order m by n. तो इस तरह से अभी समझो हम ये मैट्रिक्स दिया A. This is 3, 2, 1, -1, 2, -1, -1, 3 like this. तो इसमें ये हो गए आपके रोज, ये रोज into 2.
ये माइनस टू है तो मॉड है तो प्लस टू ए वन टू राइट ए वन टू हाफ इन ब्रैकेट वन माइनस सिक्स तो हाफ इन ब्रैकेट माइनस फाइव का मॉड प्लस फाइव इज इक्वल टू फाइव बाय टू ठीक है फिर निकालेंगे ए वन रो तीन है एक दो तीन और कॉलम दो है तो ए वन टू कितना आएगा कॉलम दो ओके तो अब ए टू टू ए टू वन रहेगा ठीक है ए टू वन हाँ ए टू वन निकाल दो हाफ इन ब्रैकेट मॉड अभी इसमें आएगा टू माइनस थ्री क्योंकि आई की वैल्यू टू जे की वैल्यू वन हाफ माइनस वन टू वन तो ये हाफ हो गया ए टू टू ए टू टू तो ए टू टू में क्या आएगा हाफ मॉड आई की जगह पे टू और थ्री इंटू टू सिक्स तो ये हो गया हाफ इन ब्रैकेट चार तो दो अभी आपके जो है कॉलम तीन आना चाहिए कॉलम दो आना चाहिए और तीन आना चाहिए तो इसलिए ए थ्री वन में आए आप अभी थ्री माइनस थ्री तो ये हो गया जीरो अब ए थ्री टू आप इन ब्रैकेट ए थ्री टू बोले तो थ्री माइनस सिक्स और हाफ थ्री तो ये हो गया थ्री बाय टू तो थ्री बाय टू जो मैट्रिक्स है इसका लास्ट एलिमेंट ए थ्री टू आ गया अब मैट्रिक्स तैयार करेंगे हम ए थ्री टू मैट्रिक्स कैसे होगा ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू ए थ्री वन ए थ्री थ्री ये हो गया ना तो ए वन वन आ गया तुम्हारा वन ए वन टू आ गया तुम्हारा फाइव बाई टू ए टू वन आ गया तुम्हारा वन बाई टू ए टू टू आ गया तुम्हारा टू ए थ्री वन आ गया जीरो और ए थ्री थ्री आ गया थ्री बाई टू तो इस तरह से हम ये मैट्रिक्स तैयार किए हैं ठीक है तो ये हो गया उसका मैट्रिक्स प्रिपरेशन हाउ टू प्रिपेयर द मैट्रिक्स इस तरह से हमको प्रिपेयर करना है ठीक है
इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स. तो ये है सपोज एग्जांपल बी, दिस इज द मैट्रिक्स -3, 3, 1, 2, -3. दिस इज योर रो मैट्रिक्स. ठीक है, इसकी ऑर्डर इसकी रहेगी 3 by 1 और इसकी ऑर्डर 1 row 4 columns, तो 1 by 4. इस तरह से ये मैट्रिक्स का प्रकार होगा. तो रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया. ठीक है, अब हम देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या? ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज is equal to number of columns. Number of rows और number of columns अगर same है तो उसको हम क्या करते हैं? Square matrix. जैसे example A matrix, ये हो गया 3 -1, 2. बाद में 7, 2, -1, फिर 3, -1, 2. तो ये मैट्रिक्स हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, बिकॉज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, दैट इज 3 by 3 मैट्रिक्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, दिस इज योर स्क्वायर मैट्रिक्स. अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद है मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स नंबर 4. डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है हम देखेंगे. ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स की पहले स्क्वायर मैट्रिक्स है इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, इफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है व्हिच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. जैसे मैट्रिक्स ये निकाला हमने, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 by 3. सपोज दिस इज 3 by 3 मैट्रिक्स, तो यहां पे 2 1 -1, इधर 0 0 0 0 0 0. तो ये जो एलिमेंट्स है ये एलिमेंट नॉन जीरो चाहिए, और बाकी जो एलिमेंट्स है क्या बोला, इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. नॉन डायगोनल, तो दीज आर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, दे आर 0, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स. ओके, हाँ, फिर इसके बाद देखेंगे डायगोनल के बाद स्कैलर मैट्रिक्स. स्कैलर मैट्रिक्स, स्कैलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्कैलर मैट्रिक्स क्या है? कि डायगोनल मैट्रिक्स इज सेट टू बी स्कैलर मैट्रिक्स इफ डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट इज डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल. डायगोनल एलिमेंट्स अगर इक्वल है इट इज डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स खुद डायगोनल एलिमेंट्स आर, डायगोनल एलिमेंट्स आर
तरह से ये स्कैरोमेटिस हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स नंबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर 1 एंड रेस्ट ऑल 0, है ना? तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स
elements corresponds to element of A, elements of matrix A, A is equal to corresponding elements of matrix B, corresponding elements of matrix B ऐसा थे तब हम क्या करेंगे दो मैट्रिसेस जो है इक्वल है corresponding elements इक्वल चाहिए और उसकी ऑर्डर इक्वल चाहिए ना तो इस तरह से अब इसके ऊपर हम एक छोटा क्वेश्चन लिखेंगे -1 is equal to -3